अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है हम प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल का फोर्थ चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ चैप्टर जो है वो रिलेटेड है डिफरेंशियल प्रेशर। हम किसी भी डिफरेंशियल प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं और उसकी मेजर करने की कौन कौन सी डिवाइसेज हैं, हम कौन कौन सी डिवाइसेज यूज करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर, सिंपल प्रेशर और डिफरेंशियल प्रेशर। तो डिफरेंशियल प्रेशर जैसे नाम से पता चल रहा है कि डिफरेंस इन प्रेशर, ठीक है, दो डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर का जब हम डिफरेंस ले रहे होते हैं उस डिफरेंस की बेस पे हम जब कैलकुलेशन करते हैं दैट इज डिफरेंशियल प्रेशर। तो हम ये जो पहले आपको मैं ये बता चुका हूँ कि प्रेशर एक्चुअली क्या होता है उसके बारे में भी आप डिस्कस कर चुके हैं, आपको जो है मेजरमेंट के बारे में बखूबी इल्म है, लेकिन जो डिफरेंशियल प्रेशर है उसको हम कैसे मेजर करते हैं और उसकी मेजरमेंट की कौन कौन सी डिवाइसेज हैं उसके बारे में हम चैप्टर नंबर फोर में इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँ कि व्हाट इज प्रेशर, ये आपको थोड़ी सी रिहर्सल हो जाएगी, थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको इसी से फैमिलियर है कि प्रेशर इज एक्चुअली द फोर्स पर यूनिट एरिया, कि यूनिट एरिया में कितनी फोर्स अप्लाई कर रही है दैट इज प्रेशर, ठीक है। तो और आपको ये पता है कि फ्लूइड के मूवमेंट के लिए, फ्लूइड की फ्लो के लिए जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स है और एक ग्रेडियंट है, या गैसेस के फ्लो के लिए एक ड्राइविंग फोर्स है वो प्रेशर है, ठीक है। तो इसके बारे में और इसकी यूनिट के बारे में भी आपको पता ही है कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, उसके बाद न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, पास्कल है, उसके बाद मिलीमीटर पर मर्करी है, और उसको हम कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको इसी का। तो इसकी जो एप्लीकेशन है डिफरेंशियल प्रेशर की, जो एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ पर जो है वो यूज हो रहा है, इसके दो बेसिक यूज है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है और दूसरी डोमेस्टिक एप्लीकेशन है। जो हमारे इंडस्ट्री में पावर प्लांट होते हैं उनमें जो गैसेस वगैरह फ्लो कर रही होती हैं वो बड़ी हाई प्रेशर पर होती हैं, अप टू 10,000 PSI तक आप इमेजिन करें कि इतना हाई प्रेशर होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि एरोप्लेन जो है जब मूव करता है तो उसके एरोप्लेन में एक सर्टेन प्रेशर मेंटेन किया जाता है, क्योंकि जो वहाँ पे पैसेंजर्स एरोप्लेन में सवार होते हैं अगर वो उस स्पेसिफिक प्रेशर पर मेंटेन ना किया जाए तो उनके लिए सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो ये एक प्रेशर की एप्लीकेशन है जो हम डोमेस्टिकली भी और हम इंडस्ट्रियली भी हम जो है इसको ऑब्जर्व करते हैं। टर्बाइन में पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल है, जबकि डोमेस्टिक में आपको पता है कि आप घरों में एसी लगे हुए हैं, रेफ्रिजरेटर और जो फ्रिज हैं उनमें जितने भी रेफ्रिजरेंट हैं जो मूव करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेशर। उसमें कंप्रेशर लगा होता है जो क्या करता है उस गैस के अंदर प्रेशर इम्पार्ट करता है, प्रेशर इम्पार्ट करने से गैस एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है, ठीक है। और उसके बाद व्हीकल है, हमारे गाड़ियों के टायर हैं उसके अंदर प्रेशराइज जो है वो एयर हम इसको फिल करते हैं ताकि वो मूव कर सकें। तो ये उसकी कुछ एप्लीकेशन है, वैसे तो इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है लेकिन आपको जस्ट आईडी के लिए जो दो तीन बेसिक्स अगर जो है वो एप्लीकेशन में आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंशियल प्रेशर। डिफरेंशियल प्रेशर इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ द वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। एक पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P2 है, दूसरे पॉइंट पे प्रेशर P1 है, तो उनका जो डिफरेंस होगा दैट इज अ डिफरेंशियल प्रेशर। अच्छा, चूंकि ये डिफरेंस है तो इसके यूनिट वही होंगे जो प्रेशर के होंगे, ये आपको कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए, जो प्रेशर के यूनिट है वो वही डिफरेंशियल प्रेशर के यूनिट होंगे। P2 में से P1 में निकाल देंगे तो जो मैग्नीट्यूड से चेंज होगा जबकि यूनिट क्या होंगे सेम होंगे। तो एक चीज क्लियर है कि प्रेशर और डिफरेंशियल प्रेशर के यूनिट सेम होंगे। मैनोमीटर के बारे में मैं सेकेंड ईयर में भी आपको बताया था, थर्ड ईयर में भी डिस्कस कर चुके हैं, वेल टाइप मैनोमीटर होते हैं, इन्वर्टेड मैनोमीटर होते हैं, और वो मैनोमीटर जो होते हैं वो बेसिकली डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने एक डायग्राम में बताया कि इसका एक पॉइंट है जबकि दूसरा पॉइंट जो है वो ग्लो है, तो इन दोनों पॉइंट में जो डिफरेंस होगा दैट इज हाइट डिफरेंस डेल्टा एच। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय दिस फार्मूला। First you calculate the height difference from this manometer, then put the value in this formula by putting the value of G and density, you will eventually calculate the pressure difference. So this is the formula, you are much familiar about it. और आप इसकी जो है वो importance के बारे में discuss करें, जो इसकी importance है वो जो मैं applications के साथ साथ importance में बताना चाहूँ, industry में जो है ये variable को control करना हमारे सबसे अवली तरजीह होती है। हम कैसे किसी भी प्लांट के अंदर वेरिएबल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, वेरिएबल्स जो है वो हमारा कंट्रोलिंग फैक्टर है, हमने इसको कंट्रोल करना है तो हम उस किसी भी प्लांट पे उस रेलिवेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी जो है हम ले सकते हैं। आपको पता है वेरिएबल जो है वो 3 से 4 किस्म की होती हैं, जैसे टेम्परेचर वेरिएबल है, प्रेशर वेरिएबल है, लेवल वेरिएबल है और कंपोजिशन वेरिएबल है। ये
तीन चार मेरे पे ऐसे हैं जिसको आपने एज ए केमिकल इंजीनियर या केमिकल एज ए केमिकल एसोसिएट प्रोग्राम के थ्रू आपको ये सीखते हैं कि इन वेरिएबल्स को प्लांट में हमने कैसे कंट्रोल करना है। अगर आप उन वेरिएबल को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये इस चीज़ का इंश्योर कर सकते हैं हम कि हम जो है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं सेम एग्जिस्टिंग मशीन से सेम प्लांट से। ठीक है, तो वेरिएबल कंट्रोल करना है फॉर डिजायरेबल प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। वही जो आप मैं बता चुका हूँ कि किसी भी प्लांट में प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी को आपने लेना है तो आप वेरिएबल कंट्रोल करेंगे। वेरिएबल कौन सा है? डिफरेंशियल प्रेशर, जो कि हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं। जब आप क्वालिटी और क्वांटिटी को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपका पास ऑप्शन आती है कि आपने इकोनोमाइज करना है, प्लांट की इकोनॉमिक्स को देखना है, उसको ऑप्टिमाइज करना है, कम पैसों में ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट, ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपने अचीव करनी है। ठीक है, आप जो है वो ऐसा ना हो कि किसी वैसे में प्रेशर बढ़ता जाए, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, एक्सप्लोर हो जाए। एक्सप्लोजन से क्या होगा, आपका जो एसेट्स हैं, जो आपके पर्सनल लाइफ है, आपके जो बिल्डिंग्स हैं, उसका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आपने इस जो वेरिएबल है डिफरेंशियल प्रेशर, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो एक्सप्लोजन के चांसेस को अवॉइड करेंगे, दूसरा आप क्या करेंगे, अब जो आपका एसेट्स है, बिल्डिंग है, हम एक पर्सनल लाइफ है, जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसको बचाया जा सकता है। तो अगर हम उसको मेजर नहीं करेंगे डिफरेंशियल प्रेशर को, तो हम ये सारी चीज़ों पर ओवरकम नहीं कर सकते। तो ये भी मैंने एग्जाम्पल दी है। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बता दूँ इसका यूनिट जो है, यूनिट सेम उसके यूनिट वो प्रेशर वाले यूनिट है, पीएसआई है, इंचेस ऑफ मर्करी है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो ये एक फार्मूला है, एक कन्वर्जन फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए, ये आगे बार बार अमेरिका में यूज होना है कि 180 एम इज इक्वल टू 101325 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक बार इज इक्वल टू 14.7 पीएसआई इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मर्करी is equal to 29 inches of mercury and 33 inches of water, that is equivalent to 1 ton. आप ये सिर्फ एक फैक्टर याद रख लें, आप किसी भी प्रेशर के या डिफरेंशियल प्रेशर के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यूज को, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद मैंने जो है वो एक एग्जांपल दी है कि अगर आपके पास एक टैंक है और उसके टैंक का जो है या वेसल है उसका जो उसके अंदर वाटर लेवल है वो 5 मीटर है, तो आपको उसका प्रेशर फाइंड करना है। तो व्हाट विल यू डू, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 5 मीटर हाइट इन दिस फार्मूला बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी 9.8 एंड टेकिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, सो इवेंचुअली यू विल गेट द आंसर प्रेशर इज इक्वल टू 50,000 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक बेसिक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। इस चैप्टर में हम जो है इसके डिवाइसेस के बारे में बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी। Thank you very much.